दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बच्चे को बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी की चालाकी से बच्चे कैद से बाहर आ जाते हैं, पर मिश्रा जी मारा जाता है। गुप्ता जी गुस्से में दोनों शैतान पर हैमर से वार करते हैं, जिसमें दोनों शैतान घायल हो जाता है। गुप्ता जी किसी तरह मिश्रा जी के साथ सभी बच्चों को असली दुनिया में भेज देते हैं, पर वह खुद वहीं फंस जाते हैं। गुप्ता जी अपनी चालाकी से कुछ समय बाद वह भी अपनी असली दुनिया में आ जाते हैं, पर कोई गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला करता है, जिसमें दोनों बेहोश हो जाते हैं। और अब आगे की कहानी देखते हैं। हॉरर क्लाउन गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने साथ ठिकाने पर ले जाता है और उसे पिंजरे में कैद कर देता है। कुछ समय बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी को होश आता है और अपने आप को कैद में पाते हैं। गुप्ता जी, हमें यहाँ कौन कैद किया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिश्रा जी, मैं ठीक से तो नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि ये काम शायद क्लाउन का हो सकता है। गुप्ता जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम लोगों को कैद में नहीं किया है। गुप्ता जी, आपका शक बिल्कुल सही था, यह काम हॉरर क्लाउन का ही है। हाँ मिश्रा जी, पर क्लाउन तुमने हमें क्यों कैद किया है? हमें यहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। गुप्ता जी, तुम इतनी जल्दी भूल गए कि तुम दोनों ने कई बच्चों को मेरे कैद से भगाया है। हाँ, हम लोगों ने उसे कैद से भगाया है, क्योंकि तुमने उसे जबरदस्ती कैद किया हुआ था। बस वही गलती है तुम दोनों की, पर अब तुम्हारी गलती सुधारने का समय आ गया है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? गुप्ता जी, यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो जो बच्चों को तुम दोनों ने कैद से भगाया है उसे वापस लेकर आओ, नहीं तो। नहीं तो क्या क्या कर लोगे तुम? अभी बताता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, मेरा दम घुट रहा है। मिश्रा जी तुम्हें अचानक क्या हो गया? गुप्ता जी, कभी भी कुछ भी अचानक नहीं होता है, ये मैं कर रहा हूँ। और यदि मिश्रा जी को बचाना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। मिश्रा जी को तड़पता हुआ देखकर गुप्ता जी हॉरर क्लाउन का बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छे गुप्ता जी, पर याद रहे, यदि तुम ज्यादा चालाकी करने की कोशिश किए तो मिश्रा जी मारा जाएगा। क्लाउन गुप्ता जी को पिंजरा से बाहर निकाल देता है और सोनी को बुलाता है, जो क्लाउन के वश में थी। गुप्ता जी, तुम्हारे पास 1 घंटा का समय है। यदि तुम सभी बच्चों को वापस यहाँ नहीं लाए तो मैं इस बम से यहाँ ब्लास्ट कर दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। सभी बच्चों को लाने के लिए गुप्ता जी तेजी से निकलता है और साथ में सोनी भी जाती है। गुप्ता जी, तुम सभी बच्चों को लाओ या नहीं लाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मिश्रा जी तो मरेगा जरूर। हॉरर क्लाउन पिंजरे के बगल में टाइम बम लगा देता है। अरे ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तो तुम्हारी बात तो मान ली है, ऐसा मत करो प्लीज। क्लाउन मिश्रा जी का बात नहीं सुनता है और वह हंसते हंसते बाहर निकल जाता है। उधर गुप्ता जी शहर में आ जाते हैं और साथ में सोनी भी होती है, ताकि गुप्ता जी कोई चालाकी ना कर सके। गुप्ता जी क्लाउन को वादा तो कर दिए थे, पर गुप्ता जी का मन मान नहीं रहा था, क्योंकि एक के चलते कई बच्चों की जान खतरे में डालना सही नहीं था। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं मिश्रा जी को बचा लूं और बच्चों को भी ना ले जाना पड़े। गुप्ता जी सोचते हैं कि यदि मैं किसी तरह बाबा के पास चला गया तो सब सही हो जाएगा, पर उनके साथ सोनी नाम की लड़की उन पर नजर बनाई हुई थी। सोनी से बचकर निकलने के लिए गुप्ता जी उसे वहाँ से जाने को बोलते हैं, पर सोनी गुप्ता जी का पीछा छोड़ती नहीं है। मुझे अपना दिमाग लगाना होगा, तब जाकर सोनी से अपना पीछा छोड़ा सकता हूँ। समय बीतता जा रहा था, तभी गुप्ता जी के दिमाग में एक आइडिया आता है। सोनी, मुझे जोर की आई है, इसलिए तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। गुप्ता जी के बोलने पर सोनी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अरे सोनी, तुम कैसे आ सकती हो? मुझे बहुत जोर की आई है, इसलिए मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं यूं गया और यूं आता हूँ। सोनी गुप्ता जी की बात में आ जाती है और वह वहीं पर गुप्ता जी का वेट करने लगती है।
सोनी काफी समय तक गुप्ता जी का वेट करती है, पर गुप्ता जी वापस नहीं आते हैं। इसलिए गुप्ता जी को देखने के लिए उस जगह जाती है, पर वहाँ गुप्ता जी नहीं होते हैं। उधर गुप्ता जी जल्दी से बाबा का आश्रम पहुँचते हैं और बाबा को सब बात बताते हैं। बाबा, अब बस 10 मिनट का समय बचा है। यदि मैं बच्चों को लेकर क्लाउन के पास नहीं पहुंचा, तो वह मिश्रा जी को मार डालेगा। गुप्ता जी घबराओ नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गुप्ता जी और बाबा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मिश्रा जी कैद था। बाबा, उस घर में ही मिश्रा जी कैद है, चलिए जल्दी से उसे बचाते हैं। बाबा और गुप्ता जी कुछ कदम आगे बढ़ते ही हैं, तभी वहां क्लाउन आ जाता है। गुप्ता जी, मैंने कहा था ना, ज्यादा चालाकी नहीं करना, पर तुमने सोनी को उल्लू बनाकर वहाँ से भाग गए और अब बाबा को लेकर यहाँ आए हो, पर इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। क्लाउन अपने मैजिक से बैलून लाता है और बाबा गुप्ता जी पर हमला करता है। गुप्ता जी और बाबा के पास जाते ही बैलून ब्लास्ट हो जाता है, जिससे गुप्ता जी और बाबा को बहुत चोट लगता है। तुम दोनों इधर मरोगे और उधर 2 मिनट में मिश्रा जी बम के धमाके में खत्म हो जाएगा। बाबा कुछ कीजिए, अंदर मिश्रा जी कैद है, जरूर क्लाउन अंदर बम लगाकर रखा है, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। मिश्रा जी को बचाने के लिए बाबा अपने इलेक्ट्रिक शॉक का प्रयोग करते हैं, पर क्लाउन अपने आप को गायब कर लेता है। अरे वाह, बाबा के पास तो अद्भुत शक्ति है, पर मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। सबको ऐसा ही लगता है क्लाउन, पर बचोगे नहीं। बाबा अपने मन में एक मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद बाबा के शरीर में कोई शक्ति निकलती है, जिससे क्लाउन सबको दिखाई देने लगता है। यह देखकर हॉरर क्लाउन समझ जाता है कि बाबा बहुत ही शक्तिशाली है। बाबा और क्लाउन आपस में मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन तभी घर में धमाका हो जाता है। दोस्तों, आज 10 बजे मिस्टर मीट का पार्ट 3 हमारे न्यू चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में आने वाला है, जिसमें गुल्ली और बुल्ली के साथ उनके बाबा भी नजर आने वाले हैं। तो 10 बजे तैयार हो जाओ एक नए एडवेंचर के लिए, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। घर में धमाका होते ही गुप्ता जी और बाबा बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में मिश्रा जी था। बाबा, ये क्या हो गया? मिश्रा जी तो धमाका में मारा गया होगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी तो गया, अब तुम दोनों की बारी है। मिश्रा जी के मारे जाने पर बाबा निराश थे, और तभी मौका देखकर क्लाउन बाबा को खूब मारने लगता है। क्लाउन के लगातार वार से बाबा घायल हो जाते हैं। गुप्ता जी, अब तुम्हारी बारी है। क्लाउन गुप्ता जी को भी खूब मारता है, जिससे गुप्ता जी भी घायल हो जाते हैं। गुप्ता जी और बाबा, अब तुम दोनों भी मिश्रा जी के पास जाने को तैयार हो जाओ। हॉरर क्लाउन अपने खतरनाक नाखून से जैसे ही वार करने वाला होता है, तभी बाबा और गुप्ता जी को मिश्रा जी की आवाज सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी और बाबा, मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मिश्रा जी की आवाज सुनकर बाबा और गुप्ता जी के अंदर अलग ही एनर्जी आ जाती है और दोनों तुरंत खड़े हो जाते हैं। मिश्रा जी, तुम कैसे बच गए? मैंने तो तुम्हें कैद करके रखा था। क्लाउन, तुम्हें क्या लगता है, तुम जो चाहोगे वही होगा? तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था, पर तुम्हारे बम के ब्लास्ट होने से पहले मुझे जंपर आकर बचा लेता है। मिश्रा जी, तुम बम से बच गए, पर मेरे जादुई बैलून से नहीं बच पाओगे। क्लाउन, ऐसा करने का सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बाबा, मुझे कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि मैं मर ही नहीं सकता। क्लाउन के ऐसा बोलने पर बाबा अपनी शक्ति से उस पर हमला करते हैं, पर क्लाउन को कुछ नहीं होता है। बाबा, मैं इधर नहीं हूँ, जरा अपने पीछे तो देखो। बाबा अपने पीछे देखते हैं, तो वहाँ भी एक क्लाउन होता है। बाबा, असली क्लाउन मैं हूँ, वो तो मेरा परछाई था। बाबा इस बार फिर क्लाउन पर हमला करते हैं, पर क्लाउन को कुछ नहीं होता है। बाबा, तुम फिर से मिस कर गए, मैं भी असली नहीं हूँ। बाबा जरा अपने पीछे तो देखिए। बाबा फिर से अपने पीछे मुड़ते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा क्लाउन दिख रहा है, जो हंस रहा है। ये तो माया शक्ति का प्रयोग कर रहा है, अब मुझे भी अपना शक्ति दिखाना होगा। बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाबा के गायब होते ही क्लाउन हंसने लगता है। लगता है बाबा डर के मारे भाग गए।
क्लाउन तुम्हें ऐसा लगता है क्या? जरा अपने पीछे तो देखो। क्लाउन अपने पीछे मुड़कर देखता है तो बाबा पीछे होते हैं, वो भी सभी क्लाउन के पीछे। क्लाउन तुम होशियार तो हो पर मैं तुमसे भी ज्यादा होशियार हूँ। सभी बाबा एक साथ क्लाउन पर वार करते हैं जिससे सभी नकली क्लाउन का खात्मा हो जाता है और एक असली वाला वहीं नीचे गिर जाता है। बाबा तुम मुझे पकड़ लिए तो क्या हुआ, मुझे तुम मार नहीं पाओगे। क्लाउन खड़ा होकर बाबा को बोलता है कि मुझ पर हमला करो। बाबा अपनी शक्ति से क्लाउन पर वार करते हैं पर क्लाउन को कुछ भी नहीं होता है। बाबा कई बार कोशिश करते हैं फिर भी क्लाउन को कुछ नहीं होता है। बाबा को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर क्लाउन का अंत कैसे करे, इसलिए बाबा अपनी शक्ति से उसे एक बोतल में कैद कर लेते हैं और वहीं जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। जमीन के अंदर जाते ही सोनी क्लाउन के वश से बाहर आ जाती है और वह अपने घर की तरफ भाग जाती है। बाबा अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, चलिए अब यहाँ से चलते हैं। क्लाउन का अंत होने के बाद सभी लोग वापस से घर की ओर चलते हैं। हेलो, क्या? मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ मोंटी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सर, हमारे शहर में फिर से कुछ बच्चे लापता हुए हैं। ओ शिट, मतलब वो फिर आ गया। तो दोस्तों, हॉरर क्लाउन का लास्ट पार्ट आपको कैसा लगा? और यदि क्लाउन का नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं। और हाँ, आज 10 बजे गुप्ता जी हॉरर फिल्म में मिस्टर मीट का पार्ट 3 आने वाला है, उसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।